हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल सीखने की सीरीज में मैं सूरज आपका स्वागत करता हूँ। और आज की ये वीडियो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल की, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में खास क्या है, आज खास क्या सीखने वाले हो। यहाँ पर देख सकते हैं ये दो एरो की शाइन बनी हुई है, और अगर इस एरो पे क्लिक करते हैं तो आप आगे की तरफ स्क्रॉल होते चले जाएंगे। यहाँ पर देख सकते हैं ये डेटा यहाँ 2008 लिखा हुआ है। अगर मैं स्क्रॉल करता हूँ 2009, 10, 11, 12, 13, 14, ये आगे की तरफ बढ़ता चला जाता है। और अगर यहाँ पर मैं क्लिक करता हूँ तो ये देखिए ये पीछे की तरफ होता चला। तो कुछ इस तरीके से अगर आप बनाना चाहते हैं तो इस वीडियो को ध्यान से देखते रहिए, और इस वीडियो को देखने के बाद आपको ये पता चल जाएगा कि ये कैसे बनाना है। तो यहाँ पर क्लिक करते हैं, और यहाँ पर क्लिक करने के बाद आपको क्या, पर क्लिक करने के बाद ये डेवलपर टैब एक्टिवेट होना चाहिए। नहीं एक्टिवेट है तो यहाँ पर मेन्यू बार पे क्लिक कर लीजिए, और यहाँ पर राइट क्लिक करके इसको एक्टिवेट कर लीजिए। ठीक है, आप इसको अलग अलग तरीकों से एक्टिवेट कर सकते हैं, मैंने सिखाया भी है। आपको कहाँ जाना है, डेवलपर टैब पे जाना है, और फिर यहाँ पर आना है इंसर्ट पर। तो जैसे ही इंसर्ट पे आएंगे तो आपको यहाँ पे दिखाई पड़ेगा ये देख रहे हैं स्क्रॉल बार। तो यहां पर क्लिक कर दीजिए और इसको ड्रैग करवा दीजिए कहीं भी। तो ये मैंने ड्रैग करवा दिया कुछ इस तरीके से। तो अब आप देख पा रहे हैं कि यहां पर स्क्रॉल बार बना हुआ आ रहा है कुछ इस तरीके से। ठीक है, और अब यहां पर मैं क्या करता हूं, कोई वैल्यू यहां पे हम देंगे, लेकिन अभी नहीं देंगे, कब देंगे वो बताता हूं आपको। देखिए यहां पर अभी हमें राइट क्लिक करना है। राइट क्लिक करने के बाद सीधा कहां जाना है, फॉर्मेट कंट्रोल पे जाना है, और यहां पर देख रहे हैं मिनिमम वैल्यू दिया हुआ है 0। यहां पर मिनिमम वैल्यू मैं कर देता हूं 1, और मैक्सिमम वैल्यू 100 ही रहने देता हूं। ये लिखा हुआ है सेट लिंक, सेल लिंक। तो यहां पर आपको नीचे इसको ले आना है और यहां पर क्लिक कर दीजिए। ठीक है, क्लिक करने के बाद आपको फिर इसको ऊपर लेके आना है, ये कुछ इस तरीके से। अब यहां से ओके प्रेस कर दीजिए, बस आपका काम हो चुका है। अब आप क्या करेंगे, यहां से स्क्रॉल कर पाएंगे, कैसे स्क्रॉल करेंगे आइए देखते हैं। यहां पर अगर मैं ऊपर वाले पे क्लिक करता हूं तो ये देखिए 2, 1 हो गया। ठीक है, और फिर यहां पे अगर नीचे वाले पे क्लिक करता हूं तो ये देखिए आगे की तरफ ये बढ़ता हुआ चला जा रहा है, देख सकते हैं। ये कहां तक जाएगा, ये 100 तक जाएगा मैक्सिमम। ठीक है, तो इसे आप देख लीजिए, ये 100 तक जाएगा, 100 से ज्यादा ये नहीं जाएगा। तो बस ये यहां तक रहेगा, और ये अगर मैं बैक ले जाता हूं तो ये 1 तक जाएगा, 0 तो नहीं होगा ये। तो ये कुछ इस तरीके से आप ये स्क्रॉल बार बना सकते हैं। आई होप कि ये बात आपके समझ में आ गई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो आप इसे शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।